अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाजिब है। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन और ब्रांचेस कंप्लीट कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की होती हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम सिर्फ एक लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी से बने, जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गया, या और भी आपकी बुक में पूरा कॉलम बना हुआ है पूरा फिजिकल क्वांटिटीज का, 7-8 उसमें है, टाइम है, ऐसे जो सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बने वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो एक से ज्यादा से मिलकर बने, एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज से, मतलब जिसमें आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर क्यूब का मतलब मीटर तीन बार, थ्री साइड्स। वॉल्यूम क्या होता है, थ्री डायमेंशनल लेंथ, तीन साइड की लेंथ। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक से ज्यादा क्वांटिटीज से मिलकर बने वो कहलाती है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, और वो क्वांटिटीज जो सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं तो पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।